दिल्ली में कृषि कानून वापस करवाने की जिद पर अड़े किसानों ने गृह मंत्री अनिल विज का सशर्त बातचीत का न्योता ठुकरा दिया, जिसके बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को बड़ी सलाह दी है। अनिल विज ने कहा कि अब ये डेड लॉक खत्म होना चाहिए, क्योंकि धरती पुत्र खेत में काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। क्या कुछ कहा अनिल विज ने, आइए सुनिए। देखिए, अब ये जो धरती पुत्र हैं, किसान हैं, जो दिल्ली की बॉर्डर पर जाकर बैठे हुए हैं, जिनको बातचीत का न्योता बार बार दिया जा रहा है, अब ये डेड लॉक ख़त्म होना चाहिए, जल्दी वार्ता होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का प्रेस्टीज का इशू नहीं बनाना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। धरती पुत्र खेत में काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। तो वहीं हरियाणा और पंजाब के सीएम के बीच छिड़ी जुबानी जंग के मुद्दे पर आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। विज ने कैप्टन के सवालों के जवाब में कैप्टन अमरिंदर पर जमकर हमला बोला। विज ने कहा कि पहले तो ये कह रहे थे कि इन्हें फोन आया ही नहीं, अब कहते हैं मोबाइल पर नहीं किया, फिर कहेंगे मुझे आकर जगाया नहीं। ये तो पहले कहते थे किया ही नहीं, अब कहते हैं मोबाइल पे नहीं किया, फिर कहेंगे मुझे आके नहीं जगाया, फिर कहेंगे मुझे आके नहीं बताया। ये तो नुक्ते निकालने वाली बात है। फ़ोन किया, क्या आपका प्रशासन इतना निखिद है कि एक मुख्यमंत्री का फ़ोन आता है, चाहे किसी भी फ़ोन पर आता है, और वो आपको बताता नहीं है, आपकी बात नहीं कराता? इसका मतलब ये है कि आपका प्रशासन पर से नियंत्रण पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। सब जिस तरीके से दो मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है लोगों को? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री का धर्म बनता था कि पंजाब से अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनके बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए वो बात करना ज़रूरी होता है, इसलिए उन्होंने बात की। अब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो वो जाने।